नमस्कार। आइए आज महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की चर्चा शुरू करते हैं। पतंजलि ऋषि योग को शरीर और मन का संतुलन कहते हैं। यह स्वयं को जानने की खोज है जिसको 8 भागों में बांटा गया है और उसका पहला है यम। यम में वह मनुष्य के बाहरी आचरण की शुद्धि की बात करते हैं। इसमें परिवार, समाज, देश और विश्व व्यवहार की बात होती है, अर्थात यह नैतिकता का विषय है। यम में वह 5 बातों की और इशारा करते हैं। पहली अहिंसा, दूसरी सत्य, तीसरी चोरी ना करना, चौथी ब्रह्मचार्य और 5वीं अपरिग्रह, अर्थात धन संपत्ति और भोग सामग्री का आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करना। अब आते हैं शुद्ध यम के बारे में। यम का भाव समझ से, संयम से है। प्रकृति से या अस्तित्व से या कह लो ईश्वर से हमें एक सीमित ऊर्जा मिली हुई है। यदि इसका सही प्रयोग हो तो मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। यदि मनुष्य ठीक ढंग से होश पूर्वक, बोध पूर्वक अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाता है तो वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। यम हमारे और समाज के बीच घटने वाली एक घटना है। यह अधिक सजग व्यवहार है। यह एक ब्रिज है, पुल है, जो व्यक्ति और दूसरे के बीच होशपूर्ण संबंध रखने की कला है। यम के 5 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति खुद को ही साधता है। वह अपने आसपास एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है जिससे परिवार, समाज और समूचा विश्व लाभ उठाता है। यम का भाव खुद पर ही काम करना है। कल को इसके दूसरे पहलू, दूसरा स्टेप यानी नियम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।